खाने के बड़े आदाब बयान होते हैं, खाने के बाद की दुआएं भी आती हैं हदीस में, लेकिन एक चीज जो अक्सर बेशतर हमारे जहन से मैं हो जाती है, यह खाने का मकसद हमें ये बनाना चाहिए कि या अल्लाह हम ये तो खाना खा रहे हैं, इस खाने की नेमत के शुक्र के तौर पर इससे जो एनर्जी आएगी हम इस एनर्जी को तेरी इबादत में सर्फ करेंगे, तेरे दीन के काम में सर्फ करेंगे। तो हमारा एक मकसद खाने का ये भी होना चाहिए, जो सेहत हमें हासिल है उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कभी हमें अपने सेहत के बारे में कभी शक हो तो हम जाएं और किसी अस्पताल में किसी आईसीयू में लेटे हुए मरीजों को देख लें जो सांस खुद नहीं ले सकते, जो खाना खुद नहीं खा सकते, तो हमें अपने मिलने वाली सेहत की नेमत का एहसास होगा। फिर जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उन सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हम उन सलाहियतों का सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आखिरत की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? आया हूँ उन नेमतों का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका अदा करना चाहिए इससे पहले कि नेमतें हमसे छिन जाएं।